हेलो फ्रेंड हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके साथ फाइव क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं इसका आंसर करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में क्या डाउट आया है अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में विदाउट हेडिकेशन लिख सकते हैं चलिए मैं सबसे पहले इसको रीड कर देता हूँ इस क्वेश्चन को और आप अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लेंगे एन आई राइट एंगल ट्रा हैज़ एरिया एट सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है सेकंड क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल हैज़ फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर एट सिक्स सेंटीमीटर एंड फिफ्टी टू सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल क्वेश्चन नंबर थर्ड मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल किन के बीच में लाइज करता है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को रीड करता हूँ द मीन ऑफ फर्स्ट एट ऑब्जर्वेशन इज एटीन एंड एट ऑब्जर्वेशन इज ट्वेंटी एंड लास्ट एट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लास्ट छूट गया है लास्ट एट ऑब्जर्वेशन है वो एटीन है देखिए पहले से एट ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो एटीन है और लास्ट से जो एट ऑब्जर्वेशन का मीन है वो ट्वेंटी है इफ़ द मीन ऑफ ऑल फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन इज़ नाइनटीन और टोटल फिफ्टीन है ऑब्जर्वेशन उसका मीन वैल्यू नाइनटीन है तो फाइंड द एट्थ ऑब्जर्वेशन ऐट्थ ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर फाइव अ कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड द एंगल सब बाई द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क अब इसको फाइंड करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उसे भी टाइम टू टाइम एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे और उसके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो हर बार की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग